नमस्कार। आज का राशिफल 23 नवंबर 2024 शनिवार का दिन। जानिए 23 नवंबर 2024 शनिवार के लिए अपना राशिफल और पंचांग मुहूर्त, ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों का प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसा रहेगा, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। साथ ही शुभ कार्यों के लिए आज के दिन के महत्वपूर्ण मुहूर्त और समय भी जानें। इस दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करें और किस दिशा में कदम बढ़ाएं, ये सब यहाँ जानिए। इस तरह के सवालों के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। अब जानते हैं 23 नवंबर 2024 शनिवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2081 हिंदू पंचांग के अनुसार मास मार्गशीर्ष है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और ऋतु हेमंत ऋतु है। आज अष्टमी तिथि शाम 7:56 तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज मघा नक्षत्र शाम 7:27 तक रहेगा, इसके बाद पूर्वा फागुनी नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग इंद्र योग सुबह 11:42 तक रहेगा, इसके बाद वैद्यति योग लग जाएगा। आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 6:50 पर होगा, चंद्रोदय रात 12:36 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:29 तक रहेगा। आज राहु काल सुबह 9:29 से शुरू होकर 10:48 तक रहेगा। अब जानते हैं 23 नवंबर 2024 का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। प्रिय मेष राशि के जातक, आज का दिन आपके लिए काफी सौहार्द और आनंद लेकर आया है। जैसे चंद्रमा सिंह राशि की ओर बढ़ता है, आप पिछले कुछ दिनों के तनाव के बाद बहुत आराम महसूस कर रहे हैं। आपका अपनों के साथ समय बिताने का मन करेगा, इसलिए इन खास पलों का फायदा उठाएं। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी के अनुसार अपने परिवार के प्रति अपनी उपेक्षा को दूर करने का प्रयास करें और आराम करने और मौज करने से डरे नहीं। लव लाइफ में रोमांटिक मूड में बैठकर एक दूसरे की उन समस्याओं को सुने जिनसे वो आपको अवगत कराना चाह रहा है। आज शांत स्थान पर साथ बैठकर आपसी मतभेदों को मिटाएं और अपनी भावनाओं से साथी को अवगत कराएं, जिनसे आपका आपसी रिश्ता और मजबूत हो जाए। करियर के मामले में आज व्यवसायिक क्षेत्र में आने वाले मौके को हाथ से ना जाने दें, इसका लाभ उठाने के लिए जो भी फैसला लेना हो जल्द ही लें। इन कठिनाइयों से आपको भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिलेगी। आज अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। आज आपको आर्थिक मामलों में कोई गहरा झटका लग सकता है और किसी कर्ज के लिए आवेदन कर रखा है तो वहां से मनाही हो सकती है और आपको पैसे के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ सकता है। अपनी उम्मीद बांधे रखें। हेल्थ के मामले में अपने खान पान का ध्यान रखें। आज के दिन स्वास्थ्य प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर आप किसी शारीरिक परेशानी या मानसिक अवरोध जैसे कि गुस्सा, डर, एंग्जाइटी से परेशान हैं, तो उस प्रॉब्लम को टालने के बजाय अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। सुबह 9 से 11 का समय लकी रहेगा, बैंगनी रंग लकी कलर रहेगा, नंबर 6 रहेगा लकी नंबर। धन्यवाद। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। तो प्रिय वृषभ राशि के जातक, आप तनावग्रस्त और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ सकता है। अपनी जिम्मेदारियों से आप कुछ भावुक हो सकते हैं। काम की जिम्मेदारियां आपको कुछ भावुक कर सकती हैं। चीजों के बीच संतुलन तलाशने की जरूरत होगी। आज किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें। लव लाइफ के मामले में आज आपसी रिश्ते बनाने में ज्यादा उत्तेजित ना हो, यह सुनिश्चित करें कि आप अपने साथी की जरूरतों के प्रति वफादार हैं। आपको जल्दी गुस्सा आता है तो जल्दी शांत भी हो जाता है, अतः आपको चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों में शांतचित होकर निर्णय लें। आज आपके व्यवहार से आपसी रिश्तों में माधुर्य ना होने से आपका साथी आपसे रुष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों से आपको लाभ ही होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको पूरी तरह से मेहनत करनी चाहिए। लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं को पूरा करने के लिए आपको दोबारा नए तरीके से सोचना चाहिए। उच्च अधिकारियों की मदद से आप इन्हें आसानी से पूरा कर पाएंगे। आज अपने संवाद में सावधानी रखें, क्योंकि इसमें हुई एक चूक से आपकी तिजोरी पर असर पड़ सकता है। अगर आप उपकरणों की खरीद का ऑर्डर दे रहे हैं तो उसकी मात्रा, उसके मूल्य पर जरूर नजर डालें। हेल्थ की बात की जाए तो आज आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी ऊर्जा का स्तर भी ऊंचा रहेगा। कुछ स्वास्थ्य विकार के बाद आप अपना स्वास्थ्य फिर से अच्छा महसूस करेंगे। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा का उपयोग कुछ जरूरी व्यायाम, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे खान पान को कायम रखने में करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार शाम 5 से 8 का समय लकी रहेगा, ग्रे रंग लकी कलर रहेगा, नंबर 6 रहेगा लकी नंबर। धन्यवाद। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। प्रिय मिथुन राशि के जातक, आज का दिन आपके लिए अनुकूल होगा।
आप शांत महसूस करेंगे, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करेंगे, आप दूसरों के कर्ज आज चुका पाएंगे, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए काम करें क्योंकि आज आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। रोमांस से भरपूर जीवन में आज आप शांति दूत बनकर घरेलू समस्या से उत्पन्न उदासी को दूर करने में सक्षम होंगे। केवल आप ही अपने रिश्तों में छाई उदासी को दूर कर सकते हैं। अपनी सही सोच के कारण ही आप समस्या को दूर करें, दूषित वातावरण को शीघ्र ही फिर से सामान्य बनाएं। करियर के मामले में पूरे दिन मीटिंग्स में घिरे रहेंगे। अगर आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को सही से पूरा कर पाए तो आपके बॉस व साथियों पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पूरी मेहनत से काम करें तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपके हक में रहेगा। अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर आप थोड़ी चिंता में पड़ सकते हैं। हो सकता है परिवार के सदस्य कुछ बड़ी रकम आपसे मांग रहे हों, पर आपको लगता है कि उस रकम की वापसी नहीं होगी। इससे आप रिश्ते भी खराब कर सकते हैं। इसलिए इस हालात से समझदारी से बच निकले ताकि ना पैसा हाथ से जाए ना रिश्ता बिगड़े। हेल्थ के मामले में आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है जिससे आप अच्छा स्वास्थ्य कायम रख सकें। आपको अपना मूड बिल्कुल खराब नहीं करना है, सिर्फ अपने खाने पर ध्यान देना है कि आपका खाना पौष्टिक हो, हेल्दी हो। सुबह 11 से दोपहर 12 का समय लकी रहेगा, लकी नंबर रहेगा नंबर 7, ऑरेंज कलर रहेगा लकी कलर। धन्यवाद। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो प्रिय कर्क राशि के जातक, आज आप एक शक्तिशाली स्थिति में होंगे, महत्वपूर्ण आप एक रोल आज प्ले करेंगे, बहुत अच्छा आपके लिए दिन रहेगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है कि याद रखें कि बढ़ी हुई शक्ति और उच्च महसूस कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अपना जो नेचर है वो अहंकारी ना बनाएं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास किया है क्योंकि शक्ति और अहंकार के बीच की सीमा कम है, इसलिए आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। लव लाइफ में ना चाहते हुए भी आज आपका अपने साथी के साथ छुटपुट बातों पर झगड़ा हो सकता है। आपको चाहिए कि बिना बात पर अपने साथी पर गुस्सा ना उतारें, अपने उचित व्यवहार से आपसी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें। इस समय आपको अपने काम पर पूरी नजर रखनी चाहिए, बहुत ध्यान से काम करना है, अपना दिमाग भटकने ना दें। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को किसी नई योजना पर काम करना शुरू करना चाहिए। आर्थिक स्थिति के मामले में आज कोई भुगतान करते वक्त सावधान रहें और ध्यान रखें कि आपके बैंक में इतने पैसे हैं कि भुगतान हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि चेक बाउंस हो जाए या ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। हेल्थ के मामले में आज आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा महसूस होगा। आज आप मनोरंजक गतिविधियां करें, अपने घर वालों के साथ टहलने जाएं, कुछ ऐसा करें जिससे आपको एंजॉयमेंट का भी एहसास हो और साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए। दोपहर 3:30 से शाम 5 का समय रहेगा लकी, लकी नंबर रहेगा नंबर 8। धन्यवाद। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो प्रिय सिंह राशि के जातक, कुछ तनाव और वाद विवाद के कारण आज आप थोड़ा थकान महसूस करेंगे। अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों या परिवार के साथ झगड़े में ना पड़े। लव लाइफ में आज का दिन रोमांस से भरपूर दिन है जिससे कि कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। आप अपने साथी को अच्छी प्रकार से एंजॉय करवा सकते हैं। आज करियर के मामले में काम में बदलाव के बावजूद आप उसे पूरा करने में सफल रहेंगे। आप में नई चीजों को सीखने की तीव्र इच्छा है। अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए आपको किसी नई तकनीक का सहारा लेना चाहिए। आर्थिक स्थिति के मामले में हाल में किसी लेन देन को लेकर आज आपको कोई पछतावा हो सकता है। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है, आपकी आमदनी का जरिया ठप हो गया है, जैसे कि नौकरी गई, तो समझिए कि आप मुश्किल में आने वाले हैं। आज जरूरत है कि वो रास्ता निकालें कि दिया गया उधार जल्दी से आपके पास वापस आ जाए। बात करते हैं हेल्थ की। अगर आपको जल्दी में कोई स्वास्थ्य विकार से गुजरना पड़ा था, अभी ही रिसेंटली कोई आपको बीमारी हुई थी, तो आज आप अच्छा महसूस करेंगे, बीमारी दूर होगी। अच्छे खान पान और व्यायाम पर ध्यान दें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए भूरे रंग में कुछ पहने। दोपहर 1:50 से दोपहर 2:15 तक का समय अच्छा रहेगा। लकी आपके लिए जो नंबर रहेगा आज वो रहेगा नंबर 8। धन्यवाद। बात करते हैं कन्या राशि की। तो प्रिय कन्या राशि के जातक, आज अपना भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। अपनों की जरूरत के प्रति संवेदनशील रहें। आज के दिन आप प्रतिस्पर्धा में शामिल ना हो, ये निश्चित रूप से सकारात्मक दिन रहेगा।
लेकिन याद रखें कि आप किसी के पैर की उंगलियों पर कदम रखे बिना जो चाहते हैं उसे पाने के लिए मुखर हो सकते हैं। लव लाइफ में आपको अपने साथी के साथ रिश्तों में और अधिक स्वतंत्रता एवं खुलापन चाहिए। घुटन भरे माहौल से निकलने के लिए आपको चाहिए कि आपस में बैठकर अपने अनुभवों को आपस में बांटें, जिसके फलस्वरूप आपसी रिश्ते में वही महक व गर्माहट वापस आ सके। ऑफिस में आज आप बहुत ही व्यस्त रहेंगे। आप पाएंगे कि काम बहुत है लेकिन समय कम है, लेकिन ध्यान रखें कि इससे फायदा ही होता है। परेशान ना हो बल्कि इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपको पहले क्या काम करना चाहिए। इससे आपको शांति मिलेगी। आप पाएंगे कि आपके अधिकारी भी इसमें आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। आज आप खुद ही सावधान रहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि किसी आर्थिक समस्या की भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, न ही वो बताकर आती है। जैसे कार का एक्सीडेंट हो गया, पानी की कोई पाइप फट गई, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि ऐसे मुसीबतों से बचने के लिए आपके पास धन पहले से होना चाहिए। हेल्थ के मामले में आज स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं पर ध्यान देंगे। आज आप योग और ध्यान के बारे में सोचेंगे। आज आप ताजा खाना पसंद करेंगे। आज के दिन 12:30 से 2 का समय लकी रहेगा। लकी नंबर रहेगा नंबर 3। ग्रे रंग रहेगा आपका लकी कलर। धन्यवाद। बात करते हैं तुला राशि की। तो प्रिय तुला राशि के जातक, आपको आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। आज का दिन आपके सपनों के अनुरूप नहीं है, लेकिन उम्मीद मत खोइए। किसी भी तरह के झंझट में मत पड़िए। यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपनी योजनाओं पर काम करें। लव लाइफ में आज अपने साथी के व्यवहार के कारण आपसी रोमांटिक रिश्तों में ठंडापन रहेगा। आप महसूस करेंगे कि आपको उन कार्यों की वजह से दोषी माना जा रहा है जिन्हें आपने किया ही नहीं है। यद्यपि आपका साथी आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपको चाहिए कि इन गलतफहमियों को दूर करके इस तनाव भरे माहौल को हल्का करें। आज आपको अपने करियर के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। आपके प्रयासों के परिणाम शुभ ही रहेंगे। जनसंपर्क से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। अगर आप मौके का लाभ उठा सके तो अच्छा है कि आप आज के दिन नए आर्थिक फायदे बना सकते हैं। आज के दिन आप समझ नहीं पाएंगे कि आर्थिक संकटों से पार कैसे पाया जाए। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए कोई बड़ा आर्थिक फैसला आज ना लें, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। हेल्थ के मामले में आज आप सभी रुकावटों और विकारों को दूर करते हुए अच्छा महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। आज के दिन हरा रंग रहेगा लकी कलर। शाम 4:30 से 6 का समय लकी रहेगा। लकी नंबर रहेगा नंबर 8। धन्यवाद। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, एक निश्चित स्थिति आपको पर्सनल मोर्चे पर संभवतः अनिश्चित महसूस करा सकती है। आगे का रास्ता आशाजनक लग सकता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि भावनाओं में ना बहें। याद रखें कि अगर चीजें आपके पक्ष में नहीं जाती हैं, तो हार ना माने, फिर से कोशिश करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है कि समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आशावाद और दृढ़ता आपको सही मार्ग दिखाएगी। लव लाइफ में आपसी संबंध स्थापित करते समय कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। वैवाहिक दंपत्ति अनावश्यक वाद विवाद में उलझ सकते हैं। आप इस तनाव की स्थिति से बचना चाहते हैं तो भावनात्मक रूप से अपने साथी की जरूरतों को समझें। करियर के मामले में अपनी नेतृत्व क्षमता दिखा पाने के कारण अपना करियर आप आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आप एक साथ के बहुत करीब हैं तो आज आपको फायदा होगा। अपनी सभी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करें। आपका कार्य प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। आज जरूरी है कि आप अपने आर्थिक मामलों से संबंधित सभी सूचनाएं जुटाएं। कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना लें क्योंकि आर्थिक अस्थिरता की आशंका है। हेल्थ के मामले में आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, इसलिए आप निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। आज मानसिक परेशानी भी कम होगी तो आप अपने दोस्तों और घर वालों के साथ एंजॉय कर पाएंगे। काला रंग रहेगा लकी कलर। आपके लिए आज शाम 4:00 से पहले का समय लकी रहेगा। आज के लिए लकी नंबर रहेगा नंबर 6। धन्यवाद। अगली राशि है धनु राशि। तो प्रिय धनु राशि के जातक, आप उज्जवल विचारों से आज भरे रहेंगे। अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी से बच सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत सारी निराशा लेकर आ सकता है, लेकिन ध्यान केंद्रित करके काम करें, सब ठीक होगा। लव लाइफ में अनावश्यक वाद विवाद से बचें एवं जल्द ही पलट कर अपना रोष व्यक्त ना करें।
अन्यथा यही आपके रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। करियर के मामले में सबके साथ मिलकर काम करने के कारण आप अपने सभी लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप औरों के साथ मधुर संबंध बनाने में समय लगाएं तो व्यवसायिक क्षेत्र में आपको लाभ होगा। इससे न केवल आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे बल्कि औरों से आपके रिश्ते में भी मधुरता आएगी। आज आप दूसरों की सहायता के लिए कुछ खर्च करेंगे। आज कुछ धर्म कर्म के काम कीजिए। अपनी आर्थिक और सामाजिक हैसियत को थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। इससे आज कुछ औरों का भी भला कीजिए। आपको लगेगा कि आपको बाद में इसका फायदा भी मिलेगा। इससे एक खास तरह की संतुष्टि तो मिलेगी ही, कुछ ऐसे संपर्क भी बनेंगे जिनसे भविष्य में आपको फायदा हो। हेल्थ के मामले में आज आप अपने उच्च स्तर पर जो आपका स्वास्थ्य है उसका फायदा उठा पाएंगे। आपके सही मात्रा में जो ऊर्जा आपके अंदर है आज उसका उपयोग करें। कहीं खेल खेलने जाएं और एंजॉय करें। शाम 5:45 से 7 का समय लकी रहेगा। ऑलिव ग्रीन कलर लकी कलर रहेगा। लकी नंबर रहेगा नंबर 8। धन्यवाद। अब बारी है मकर राशि की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, आपका रवैया बहुत बड़े बदलाव से गुजरता दिखाई देगा। व्यवहारिक और तर्कसंगत चीजों की तरफ आज आपका झुकाव बढ़ेगा। एक परिस्थिति और अनुभव में आपको बदलने की क्षमता है। इस नजरिए के हिसाब से आपको बहुत से लाभ देखने को मिलेंगे और आसपास के लोग आपके इस रवैये की सराहना करेंगे। ये आपकी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है जहां आप अपने सपनों को महसूस करेंगे। आज आप किसी रोमांचक व्यक्ति से मुलाकात करेंगे ऐसा संकेत दिया जा रहा है। आज आप अपने साथी की सेहत के प्रति अपना अतिरिक्त झुकाव महसूस करेंगे। करियर के मामले में किसी खास काम को करने में आज आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपको अपनी छिपी हुई प्रतिभा को दिखाने का मौका भी मिलेगा। आज आप ये सोचेंगे कि आप अपना पैसा ऐसी जगह क्यों लगाएं जिससे आप देख भी ना पाए। आज आप ऐसा सोचेंगे कि कहीं से तुरंत फायदा हो जाए ऐसी किसी जगह आप अपना इन्वेस्ट करें। शायद आप घर की साज सज्जा पर भी खर्च करना चाहेंगे। हेल्थ के मामले में आपका स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा, फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसलिए आप नियमित व्यायाम करें। अगर आप खुद को ढीला महसूस करें तो तुरंत समझ जाएं कि आपका स्वास्थ्य गिर रहा है। दोपहर 3 से शाम 5 का समय रहेगा लकी। बैंगनी रंग लकी कलर रहेगा। लकी नंबर रहेगा नंबर 3। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो प्रिय कुंभ राशि के जातक, आज आपके प्रियजनों के साथ आपका संबंध कुछ अच्छा नहीं रहेगा। आज के दिन आप जितना जल्दी अपने मन को काबू में रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाइए। आज के दिन अपने प्रियजनों को भरपूर समय दीजिए और छोटे छोटी चीजों पर गुस्सा व्यक्त ना करें। कूटनीति के साथ बातों को सुलझाएं। लव लाइफ के मामले में आपका हृदय अपने साथी के वियोग से व्यथित है। आज आप अपने साथी से मिलने के कार्यक्रम में कुछ प्रगति का अनुभव करेंगे, जबकि वास्तव में आज भेंट नहीं हो सकेगी, पर भविष्य में जल्द ही मुलाकात होने की संभावना है। करियर के मामले में आज कोई महत्वपूर्ण काम आप कर सकते हैं। कोई जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। सफलता से ना केवल आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे बल्कि करियर में भी वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति के मामले में आज आप किसी नेक काम के लिए दान की सोचेंगे, ऐसा कीजिए, इससे आपको काफी खुशी होगी। आपका बैंक बैलेंस भी नहीं बिगड़ेगा। बात करते हैं हेल्थ की। आपका अच्छा स्वास्थ्य और ऊर्जा आपको आने वाली हर परेशानी से पार लगा देंगे, परंतु आप आराम के लिए समय जरूर निकालें। आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। भाग्यवश आप सभी कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। सफेद रंग रहेगा लकी कलर। दोपहर 3 से 4 का समय रहेगा लकी। लकी नंबर रहेगा नंबर 6। धन्यवाद। और अब आती है बारी मीन राशि की। तो प्रिय मीन राशि के जातक, आप थका हुआ और चिंतित महसूस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो है आराम करना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये उन सभी अतिरिक्त कार्यों के कारण हो सकता है जिनसे आप हाल में ही निपट रहे हैं। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी आपके क्रोध को नियंत्रित करने और अपने क्रोध को कम करने के सुझाव देते हैं। इस दौरान शांति और धैर्य बनाए रखने की कोशिश करें। लव लाइफ में आज आवश्यकता है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपने साथी के साथ बैठकर शांत भाव से विचार विमर्श करें, जिससे आपकी सोच को अच्छी एवं
सही दिशा मिल सके। करियर के मामले में आज के दिन रचनात्मकता से आपको कुछ नए मौके मिलेंगे। आप ये जान सकेंगे कि मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है और सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसलिए अपना ध्यान अपने अंतिम लक्ष्य पर रखें और अपने आसपास एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश करें। आज आप अपनी पहुंच और धन के बल पर दूसरों की सहायता करेंगे। आप किसी सेवा कार्य में धन की मदद कर सकते हैं या अपने किसी साझेदार को बढ़िया सा तोहफा दे सकते हैं। जो भी हो, आपकी पहुंच, आपकी आर्थिक हैसियत और आपकी दयालुता के चलते किसी ना किसी का तो भला होगा। हेल्थ के मामले में आज आप अपनी अच्छी हेल्थ का काफी एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान भी दीजिए। अपने डाइट में कुछ प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, कैल्शियम की मात्रा बढ़ाइए। दोपहर 3 से शाम 5:30 का समय रहेगा। लकी नंबर रहेगा नंबर 6। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन बिल्कुल मुफ्त ले सकते हैं, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।